बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जी उन्होंने जन्मदिन की जी बधाई है वह भी इस मंच तो इस मैक तो साझी करने वास्ते सत्कारयोग रिस्पेक्ट बड़े भाजी साढ़े सरपंच क्रांति मोहन जी मठड्डा कला। सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद साड़ी आज दी ऑर्गेनाइजेशन टीम जिन्हें भी मेरे ब्रदर सत्कारयोग भरा नौजवान यूथ दे सारे ही आगू और तुसी मातावां भैणां नौजवान साथी बजुर्ग साहबान थोनू मेरे वालों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे जन्म उत्सव लई बहुत बहुत मुबारकबाद हाथ जोड़ के निम्रता से चरण वंदना करता होया थोनू हल्ला शेरी दिंदे होए आपां अज दी गल दा आगाज करांगे। एक जरूरी बेनती है, मैं सब तो पहले ये जानना चाहना कि जिहड़े सारे जिन्हें भी तुसी सत्कारयोग साथी बैठे हैं सारे ही मानसिक तौर पर इत्थे ही हैं, सारे इत्थे ही हैं, कदे कोई काम कर रहे जां कोई होर सोच रहे हैं। आपां जिहड़े लोग इत्थे हाथ खड़ा करके दसण मतावां पैणा क्या बात है। थोनू निम्रता सहित बेनती है अगर तो मेरी गल नू गंभीरता नाल समझोगे तो जीवन सफला हो जाएगा। जीवन सफला वो नहीं बाबे वाला जिहड़े मनुवादी कहिंदे हुंदे आ भई झोली खैर पै जानी फलाना हो जाना धमकड़ा हो जाना, मतलब कि गल अगर तो सानू समझ लग गई गल तो असी भाकां वाले होवांगे। अज दे प्रोग्राम का जिहड़ा मुख मकसद है उहदे च असी सफल होवांगे। बच्चो ध्यान नाल सुनो, इधर इधर मेरा देखो, बोलना नहीं चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, ध्यान ना गल समझो। असी रोज इस स्टेजा तो बोलते हैं, बोलन दे भुखे नहीं, जे तुसी गल ना समझी तो साडे बोलन दा भी फायदा कोई नहीं। जे हुण तुसी टाइम खराब कर ही रहे हैं बैठ रहे हैं तो गल नू ध्यान ना समझो जिहड़ी कह रहे हैं। जिहड़ी अज दी गल है इन्नी क जरूरी है जिन्ना थोड़ा साह लैना जरूरी है, क्योंकि जिहड़े हालात है इन्ने वध तों बदतर होण जा रहे साडे समाज वास्ते, मैं उहदे वास्ते ही गल करनी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने जीवन दौरान बहुजन समाज के लोगों लई निष्काम बहुत ही बेबाक तरीके दे नाल काम किया, क्योंकि उन्होंने अंदर एक जोश सी, उन्होंने अंदर एक डिटरमीनेशन सी, दृढ़ इरादा सी कि मैं अपने समाज नूं अगे लैके जाना। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिथे तक अपने काफले नूं लैके गए उन्हां दा अंतम संदेश सी दलतां वास्ते कि इस काफले नूं पिछे ना आउण दिओ, इस तों अगे लैके जायो जां इत्थे ही खड़ा रहण दिओ लेकिन पिछे नहीं आउण दिओ। मैनूं इह दसदे होए बड़े खेद हो रहा, बड़ा दुख हो रहा कि साडे बहुजन समाज की आइडियोलॉजी नूं मनण वाले लीडरां ने जां लोगां ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवनी दे लई प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपनी अपन लीडरियां चमकाईयां, अपने अपने मुफाद जिहड़े सी अपने अपन जरूरत जिहड़ियां सी ओह फुलफिल करियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन नूं लैके। असल विच जिथे तक साडा प्रचार प्रसार होना चाहीदा सी ओह प्रचार प्रसार नहीं हो सकिया। साडा बहुजन समाज एक साल बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाउंदा है ते पूरा साल कोई प्रचार नहीं करते, असी कोई प्रसार नहीं करते। साडे बहुजन समाज के लीडर जां बहुजन समाज के जिन्हें भी साडे टीचर साहबान आ जिन्हां नूं नौकरियां मिलियां जिन्हां ने पे बैक टू सोसाइटी करना सी उन्होंने नहीं किया। हुण दूजे पासे मनुवाद का प्रचार प्रसार अज केंद्र की सरकार है बीजेपी की, चौबी चौबी घंटे उन्होंने लोग जिहड़े आ प्रचार प्रसार करते अपनी हिंदुत्व के लिए। जिहड़ियां चीज़ां लई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सानू मना करके गए सी कि असी नहीं करना, असी उही कर रहे हैं।
साडे च तब्दीली कोई नहीं। अज बहुजन समाज के लोग तरह तरह कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को कोई टिकाणा नहीं लग रहा कि वेयर वी हैव टू गो नाउ। कारण की है कि असी अपने रैबरां की आइडियोलॉजी नूं मन्निया ही नहीं, असी अपने रैबरां की आइडियोलॉजी नूं पढ़िया ही नहीं, असी अपने रैबरां की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार किया ही नहीं। जिन्हां नूं अपनी आइडियोलॉजी दे नाल प्यार हुंदा उह दिन रात नहीं सौंदे। साहब कांशी राम जी ने एक बार कहा सी कि 85-15% लोग जिहड़े आ 15% लोग साढ़े ते राज नहीं करने चाहिए क्योंकि असी 85% लोग हैं। हुण जिन्हां ने 85% ने नोट करना सी उन्हें नोट नहीं किया, लेकिन 15% वाले ने कर लिया कि अदरवाइज जे असी वर्क ना किया तो 85 सानू खा जाणगे। उन्होंने वर्क करना शुरू करता और नेरी लिया 24 घंटे दिन रात उन्होंने लोगों ने मेहनत की। साडे लोगों ने मेहनत तो की करनी सी, असी घर सुते रहे। जेडे बंद नौकरियां मिली जिन्हें बंद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान करके उन्होंने परिवार का पालन पोषण होंदा सी, उन्होंने काम कार चलते सी। उन्होंने लोगों ने अपना काम कार चलाउण की बजाय होर कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने ही जो कारोबार बिजनेस जोड़े चलाए। यही कारण है कि बहुजन समाज 85% होने के बावजूद भी अज केंद्र सरकार के राज अधीन उन्होंने तशद्दुद सह रहा। यही कारण है साढ़े लोगों ने गुमराह होने च कभी कोई कमी नहीं छड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि सिक्ख्या तो बिना थोड़ी गुलामी दूर नहीं हो सकती, सिक्ख्या तो बिना थोड़ी गुलामी और गरीबी दूर नहीं हो सकती। लेकिन मनुवाद ने हिंदू तब ने सब तो पहला अटैक सिक्ख्या ते कीता। साडियां बहुजन समाज हितैषी पार्टियां अखौती पार्टियां जिहड़ियां कहिंदियां कि असीं बहुजन समाज दे हितैषी हाँ, उन्हां दे सामने 104 सोधां हो गईआं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे संविधान दे अंदर। उन्हां दी जरूरत ही नहीं पई वी असीं कितें कंडैम करिए इन्हां चीज़ां नूं, असीं कोई प्रोटेस्ट करिए, असीं कोई संघर्ष लिखिए, असीं कोई सड़कां ते आईए, जां असीं हिंदुत्व दे लोकां नूं सवाल ही करिए, चाहे मीडिया ने जरिए करी जांदे, उन्हां कीते ही नहीं, सवाल ही नहीं कीते, पुछे ही नहीं। यही कारण है कि साडे बहुजन समाज दे खौती लीडर मनुवाद दे मोहरे गोडणियां ला गए। असी इमानदार लीडरां दी परख करनों चुक गए। असी जिहड़े लोग भी बाबा साहब दे संविधान नूं हत्थ च फड़ के लैके आए, असी उन्हां नूं अपने बना लिया। असल विच ओह हिंदुत्व लई काम करदे सी, गल्लां सच्चियां होणगियां, कोरियां होणगियां, और बेबाक बेखौफ कहूंगा जिथे मर्जी कोई पुछ लवे। इस करके जिहड़े लोगों ने काम करना सी बहुजन समाज दे वास्ते उन्हां लोगों ने काम नहीं किया। थोड़ियां अखां दे सामने थोड़ी एजुकेशन खो के लै गया, कोई नहीं बोलिया, असी चुप। थोड़ियां अखां दे सामने थोड़े हुंदिया होया प्राइवेट जिहड़े हॉस्पिटल आ उन्हां नूं माफिया दे रूप च तब्दील किया गया, जिदा स्कूल माफिए तब्दील किए गए आ, असी चुप। साडे बहुजन समाज दे खौती लीडर भी चुप। थोड़े सामने नौकरियों के उत्ते क्वेश्चन मार्क लगाया गया, थोड़े सामने थोड़िया अखा के सामने थोड़िया बहुआ बेटिया के तशद्दुद ढाए गए, लेकिन असी चुप आ, असी बोलते नहीं, क्योंकि साडे बहुजन समाज के लीडर बोलते नहीं। असी कदी नहीं सोचा कि असी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंसाफ लेना, सानू जिन्ना क इंसाफ वो मनुवादी पार्टियां दवाना चाहनिया, जिन्ना क इंसाफ उन्होंने रजिस्टर च हुंदा कि इन्ना क देना उन्ना क लैण च, असी जिहड़ा वो चुप कर जाने, सानू शांति आ जाती है कि जो दे रहे हैं ले लो। असी कदी संघर्ष नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा सी पढ़ियो जुड़ियो संघर्ष करियो। पढ़न दे विच भी मनुवाद ने अड़िक्का डाया, उन्होंने थोड़े सरकारी स्कूल जिहड़े फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्हां च तुहाडे बच्चे पढ़ने सी अज लखां रुपये दे के असी उन्हां स्कूलों के अंदर अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, जिन्हां नूं हुण स्कूलों च बच्चे पढ़ाउण दी औख महसूस हुंदी है, हथ खड़ा करके दसो, हथ खड़ा करके दसो जिन्हां नूं प्रॉब्लम आ रही है हुण बच्चों की फीसां देणियां पै रही हैं ना लखां, चाजना चाजना हथ खड़ा करो। हुण मैं उदां ही नहीं भाषण दे के चलना, मैं खाने गल पा के जानी थोड़े
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਗਲੀ ਉਹ ਗਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ 6-7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 27 ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 27 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਰਹੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ